सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखवन्विता। जो प्राणी भागवत करवाता है, और सुनता भी है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। चाहे आप ऑनलाइन यजमान हैं, चाहे आप यहां आकर बैठे हैं यजमान, आपके लिए भागवत उतनी है जितनी यहां बैठे के लिए है या किसी अन्य यजमान के लिए है। भागवत तो बराबर है। अर्थात ये आप समझ लें कि जो प्राणी भागवत सुनता या कराता है उसके समस्त, अभी तो हम जिनके कल्याण के लिए कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, मगर बात वही है कि जब किसी माता को किसी ने कहा मां खाना दो, तो मां क्या करती है, सबसे पहले अपने हाथ धोती है और फिर किचन के बर्तनों को, चौका चूल्हे के बर्तनों को हाथ उठाती है। तो किसी का पेट तो भरेगा भरेगा, मगर आपके, आपकी भी शुद्धि होगी, तो किन्हीं आत्माओं की तृप्ति तो होगी होगी, उन्हें उनके लोक, उनकी यात्रा तो मिलेगी मिलेगी। हवागी हो गए, कहीं ना कहीं आपके जीवन का भी कल्याण हो गया। कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसन्ति ते। नारायण कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या जिसके यहां घर में भागवत होती है, जो व्यक्ति भागवत कराता है, उस व्यक्ति के यहां मैं कल्प कोटि तक वास करता हूं। जी हां, कल्प कोटि तक वास करते हैं। तो ये सब होगा कैसे? अगर ये व्यवस्था में हमें जाना है तो इन 7 दिन में हमें करना क्या होगा, कैसे करना होगा? तो लिखा है, कृष्णार्थोति धरार्थोति श्रोतावक्त्वादिधामतः यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र संख्यम विवर्धते। कह रहे हैं यजमान को 7 दिन, ये 7 दिन जब भी आप कथा कर रहे हैं, या जो कथा करवा रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो हरि का दास होना चाहिए, वो कृष्ण का दास होना चाहिए। और जो कथा कर रहा है, वो भी हरि का दास, कृष्ण का दास होना चाहिए। और कौन होना चाहिए? और इन दोनों में से कोई भी धन का लोभी नहीं होना चाहिए। उसी तरह भागवत अगर इस नियम के साथ सुनी और समझी जाती है, तो उसी तरह भागवत फल देती है और जीवन का कल्याण होता है।